अल्लाक मैं YouTube फैमिली आज के ब्लॉग में हमारा विज़िट है इन इनलाज के हाउस का बहुत ही टाइम के बाद और बहुत सारी कुकिंग की ट्रिप्स और एफिशिएंट टाइम में बहुत ही फास्ट कुकिंग आप कैसे कर सकते हैं बहुत ही टिप्स के साथ थोड़ी सी नेचुरल व्यूज में देसी घरानों में हमारे जो खाने बनते हैं वो कैसे बनते हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्निंग में ही मैंने क्लिनिंग कर ली थी ये मेरे जहेज़ का बेड है बेडरूम है और यहाँ पर जो मेरे जहेज़ का सारा सामान रखा हुआ है ऑफ एन ऑन विजिट होता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट बन गई हुई है ये बहुत ही ज़्यादा इंटीक और प्यारा है लेकिन इसमें एक जो है वो कहने के बहुत ही बड़ा फ्लॉ है कि इसकी क्लीनिंग करना बहुत हार्ड होता है कि इसके जो डीप जो इसमें हुई हुई है वुड का वर्क हुआ हुआ है उसमें क्लीनिंग नहीं हो पाती डस्ट अंदर तक चली जाती है तो काफ़ी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है तो यहाँ पर पीलों के केसेस में कवर्स चेंज कर रही हूँ साथ में बेड भी ताकि जो डस्ट वगैरह जो काफ़ी देर से यहाँ पर पड़ी थी वो क्लीन हो जाए और ये जो कवर नज़र आ रहा है आपको मेट्रस का ये भी मैंने खुद से बनवा कर डाला हुआ है इसके ऊपर छोटे बच्चे होते हैं घरों में तो बहुत ही मेट्रस जल्दी रफ़ और गंदा हो जाता है तो आप इस पर लगा सकते हैं कोई वाटरप्रूफ भी लगा लेंगे तो उससे बहुत ही सेव रहेगा तो ये एक टिप है कि आप बेडशीट फोल्ड करते हुए इस तरह से उठाकर नीचे तक अगर आपकी बेडशीट है अगर तो उसको आप लगाएंगे तो बहुत ही सेट रहेगी अपनी जगह से हिलेगी नहीं तो सारी डस्टिंग मैंने की थी तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट ऐसे क्लॉथ पे आपको नज़र भी आ रही होगी तो थी और यहाँ पर वॉल क्लॉक है ये मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मेरे दूसरे घर में भी आपको देखा होगा आपने केवला क्लॉक था और एक सब्सक्राइबर एक नहीं दो से तीन सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया है ये तो मैंने दराज़ से ऑनलाइन ऑर्डर किया था बेस्ट है प्रीटी लगता है लेकिन जिसके क्लॉक की ऊपर मिरर नहीं है तो बहुत ज़्यादा डस्ट चली जाती है इसके अंदर और ये वॉल स्टिकर भी मैंने वहीं से मंगवाया था और वॉल पर पुट किया हुआ है क्लॉक तो अभी तक सही जा रहा है बस ये है कि इसके मिरर ना होने की वजह से इस पर डस्ट आ जाती है बेडरूम क्लीनिंग की बहुत सी जबरदस्त टिप ये है कि सबसे पहले अगर आप अपना बेड क्लीन कर लेंगे उसकी बेडशीट को सेट कर लेंगे तो आपका पूरा रूम ही क्लीन लगने लगता है क्योंकि बेड एक मेन चीज़ होती है हमारे बेडरूम में जो कि क्लीन लगे तो अच्छी सी क्लीनिंग की वाइब आने लगती हैं तो इस तरह से पिलो के मैंने लगा कर पिलो कवर्स लगा कर यहाँ पर सेट कर दिए थे साथ में ब्लैंकेट को फोल्ड कर दिया था इस रूम के फ्लोर पर फ्लोर शीट लगी हुई है नेक्स्ट किसी ब्लॉग में फुल रूम टूर और होम टूर आपको करवाया जाएगा इस तरह से ये शीट है बहुत ही सेट हो जाती है और टाइल से ज़्यादा पल्टी लगती है और ये अच्छा सा क्लीन सा हो गया इस साइड पे कबर्स हैं और उनके ऊपर कुछ बर्तन पड़े हुए हैं मेरे अम्मी ने जो दिए हुए थे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं तो इनको मैंने इस तरह से रखा है कुछ टॉयज़ वग़ैरह जो ऑफ एंड ऑन यूज़ होते हैं वो यहाँ पर रखे रहते हैं तो ये कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स थे मैंने लास्ट किचन मेक ओवर की वीडियो में भी आपको दिखाए थे कि स्टेकअप शेल्फ मैंने यूज़ की हैं तो इसके अलावा कुछ मैंने ग्लास जार मंगवाए थे इस किचन के लिए भी तो ये ऑनलाइन ऑर्डर्स थे तो उनको मैं ओपन करके चेक कर रही हूँ कि ये कैसे गए हैं इस तरह से ग्लास जार थे फोर ग्लास जार मंगवाए थे मैंने और थ्री स्टेकअप मंगवाई थी साथ में ग्लास बॉटल थी ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर मैंने प्लांटर वगैरह लगाने थे ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में मैंने आपके साथ कंप्लीट शेयर किया था कि मैंने अपने कैसे स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है काउंटर टॉप को सेट किया हुआ है और अभी तक आपने वो बेस्ट सी वीडियो नहीं देखी है ऑर्गेनाइजेशन की किचन टूर की तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं या आई बटन पर एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ये कुछ मिनी स्पाइस जार थे जो कि डाइनिंग टेबल पे यूज़ होते हैं ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे और ये ग्लास बॉटल तो साथ में आज जाते मौसम की सौगात फिश जो है वो गर्मियाँ ब रही हैं तो लास्ट टाइम हमारे घर में बन रही थी तो मैंने साथ में उसकी भी फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे ये जो हमारी फ़िश होती है बहुत ही क्रिस्पी स्मेल के बग़ैर और अंदर तक पकी हुई बनती है तो मैं मोस्टली जब भी फ़िश बनाती हूँ तो कोई भी फ़िश मसाला मैं उसमें ऐड नहीं करती ये होममेड ही है अदरक लहसन पाउडर सुरख मिर्च सब्ज मिर्च और जो स्मेल के लिए थोड़ा सा टेंडर करने के लिए हमारी फ़िश को मैं सिरका और लेमन जूस का यूज़ करती हूँ फिश मसाला मैंने कभी भी ऐड नहीं किया है और डबल कोटिंग में इसका फ्राई होगा अगर आप सिंगल कोटिंग में करने हैं तो भी बहुत बेस्ट रहेगा और एक ज़बरदस्ती टिप के आपने इसको मैरिनेट करके वन आवर के लिए ज़रूर स्टे देना है इससे ये इसका मसाला अंदर तक चला जाता है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है डबल फ्राई के लिए इस तरह से थोड़ा सा बेसन लेकर मैंने इसमें अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल के इसको सा रनी सा बना लिया था जब मैं 80 परसेंट एक दफ़ा फ़िश फ्राई कर लूँगी उसके बाद दोबारा से ये वाली कोटिंग लगाऊंगी बेसन की और बहुत ही ज़बरदस्त बेसन का फ़िश पकौड़ा टाइप हमारे पास फ़िश रेडी होगी अगर आप मोस्टली करी बनाते हैं शोरबा या सालन बनाते हैं फ़िश का तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फ़िश के सालन से बहुत ही अच्छी बनती है और डबल कोटिंग की वजह से हमारा जो है वो पकौड़ा वाला जो है वो टेस्ट इसमें प्रॉपर बन कर आता है और एक ट्रिक टिप है कि आपने मीडियम सा फ्लेम ऑन करना है ज़्यादा तेज़ नहीं ऑन करना तो मैंने भी इस तरह से फर्स्ट टाइम में फ़्राई कर ली थी ये आप रमदान में इफतार में बना सकते हैं एज अ पकोड़ा डिश और एज अ स्नैक बहुत ही ज़बरदस्त रहती है सो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस की कौन सी सीरीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं मेरी मेकओवर की सीरीज़ टूअर्स की किचन टूअर्स की वीडियोज़ या कुकिंग की बेस्ट भी ज़रूर बताया करें कमेंट्स में इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरे सब्सक्राइबर किस टाइप की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो फ़िश का ऑयल के बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि जब आप फ़िश फ्राई कर लेते हैं तो उसके बाद जो ऑयल होता है उसको क्या करते हैं इसको हम किसी भी खाने वगैरह में ऐड करें तो फ़िश की स्मेल उसमें भी ऐड हो जाती है तो वो कैसे यूज़ किया जा सकता है मेरे पास ये टिप है कि मैं इसको सेव करके एयर टाइट जार में रख लेती हूँ तो बच्चों को अक्सर घर में बना कर देते हैं हम फ्राइज़ पोटैटो के जो फ्राइज़ होते हैं उसमें मैं ये ऑयल यूज़ कर लेती हूँ उसमें ऐज सच कोई स्मेल नहीं आती है क्योंकि फ़्राइज़ जो होते हैं इनका ख़ुद का टेस्ट ही बहुत है इस तरह से होता है कि वो इतना जो है वो पता नहीं चलता तो आप भी इसको सेव कर लिया करें खानों वगैरह में ना डाला करें क्योंकि इससे जो है वो स्मेल खानों में चली जाती है तो इस तरह से सेल की कटिंग करके मैंने इसको डबल फ्राई करके डिश आउट कर लिया है तो यहाँ पर सेकेंड रेसिपी है मेरी फ्राइड राइस की रेसिपी फ्राइड राइस की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी एफिशिएंट कुकिंग और फास्टर कुकिंग वाली वीडियो में अगर आपने वो भी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो गो एंड चेक वो भी बहुत बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही क्विक बन जाने वाली है ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये मैंने बिल्कुल बिरयानी की तरह बनाई है जैसे हम पहले मटीरियल ग्रेवी रेडी कर लेते हैं चिकन के साथ और बाद में हम लेयरिंग करते हैं चावल की और इस मटीरियल की वो वाली डिफरेंट रेसिपी है और ये वाली अलग है बहुत ही बेस्ट बनती है दोनों अगर अगर आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी से बनाना चाहते हैं फ्राइड राइस तो ये रेसिपी आपकी बेस्ट है आप इसको फॉलो कर लें तो इस तरह से चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है पिंक से व्हाइट होने तक फ्राइड राइस बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्ती टिप है कि आप अपनी चॉपिंग जो है वो वेजिट्स की पहले से करके रख लें रात में ही करके रख लेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी कटिंग होती है अगर आपके पास चॉपर वगैरह नहीं है इलेक्ट्रिक चॉपर तो आपको मैनुअल ही करनी पड़ती है तो बेहतर है टाइम को सेव करने के लिए मल्टीटास्किंग करते हुए आप इसको पहले से ही कटिंग करके रख लें और इस तरह से 80 परसेंट मैंने चावल बॉईल कर लिए थे और इस तरह से ये रेडी हो गया है मटीरियल लास्ट में मैं इसमें कैबिज ऐड करूँगी कैबिज लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं कि थोड़ी सी इसका कड़कपन जो है वो बरकरार रहे ज़्यादा पहले डाल देंगे तो बिल्कुल गल कर नज़र नहीं आएगी जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है हमारे पास फ्राइड राइस की जो मोस्टली रेस्टोरेंट में फॉलो की जाती है उसमें जो है वो राइस पहले से उन्होंने बॉईल करके रखे होते हैं कम्प्लीटली और जब वेजिस को वो फ्राई करते हैं हल्का सा और साथ में चिकन और अगर आपने चिकन के बगैर बनाए हैं तो वो मटीरियल उन्होंने अलग रखा होता है और साथ ही उन्होंने वही बॉयल जो कम्प्लीटली बॉयल राइस होते हैं उसके अंदर मिक्स करके हल्का सा दम दे देते हैं वो एटी परसेंट कुकिंग जो बिरयानी वाला स्टाइल होता है वो नहीं होता ये बहुत ही क्विक है अगर आपने ये वाला स्टेप और ये वाली रेसिपी फॉलो करनी है तो ये भी बहुत ही बेस्ट रहती है बहुत ही यमी बनती है बहुत ही जल्दी बन जाती है हमारे यहाँ अब दावतों पर बहुत ही मोस्टली बिरयानी बनती है और बिरयानी की रेसिपी तो अब हर किसी को बहुत ही बेस्ट तरीके से आ गई है तो थोड़ा सा डिफ़रेंट रखा करें मेन्यू को और ये वाली रेसिपी को ट्राई जरूर करें सो so ये थी आज की हमारी वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़